अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी हमारी वापसी जारी है। अजलाल को देखें, अजलाल गेम खेल रहा है और हुरिया पीछे सोई हुई है। तो मैंने आज उनको बहुत जल्दी उठाया है तो अभी अपनी नींद पूरी कर रही है। और हम जी जा रहे हैं बन्नू की तरफ और अभी कोहाट के पास ही हैं, बस कोहाट टनल के पास ही। और जो व्यू है यहाँ पे, जो बादल हैं पहाड़ों के ऊपर, मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी कंप्लीट जो है ना, बादल पहाड़ों के ऊपर हैं बिल्कुल सर पे, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखें आप। तो बहुत ही अच्छा व्यू, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। कल रात जो है ना, फिर वो मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा थक गया था और गाड़ी में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की तो उधर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। आपको पता है ना, जब आप गाड़ी में कुछ लगवाते हो या इस तरह कुछ ना, और आप जाते हो तो बहुत ज़्यादा ये टाइम लेते हैं कारीगर लोग। लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा हो गया, बस यही काफ़ी है। बहुत ही अच्छा काम किया बहुत। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा आराम से, कुछ क्लिप्स मैंने लिए हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जब गाड़ी फुल साफ होगी और तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको, और भी अभी गाड़ी में काम है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन ये जो हमने काम किया था, ये इसके फोग लाइट्स हैं, वो फोर कलर्स में हैं, बहुत अच्छे। पीछे मैंने बम्पर के लाइट्स लगवाए हैं और बहुत अच्छा स्टीयरिंग कवर लगवाया है, तो बहुत ही मज़ा आया गाड़ी का भी। ये स्टीयरिंग कवर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त स्टीयरिंग कवर। पहले जो इसका स्टीयरिंग कवर था वो बहुत ही बेकार सा था और ये बहुत ही अभी स्मार्ट हो गया, बहुत खूबसूरत लुक है इसकी माशाल्लाह। आज फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, बहुत ही सुहाना मौसम और इतना मज़ा आ रहा है इस मौसम में ड्राइव करना आपके, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त। और चूँकि जो हमारा बन्नू का ये इंतस आई हुआ है तो ये बिल्कुल इस तरह है ना कि बिल्कुल बंदा कहे कि जस्ट लॉन्ग ड्राइव के लिए बना है, क्योंकि हमारा एक तो ड्राइव जो है ना 3-3.5 घंटे का है और ऊपर से सहरा आते हैं, पहाड़ आते हैं, आप देख सकते हैं ना, और रेगिस्तान करक का जो एरिया है ना तो फुल रेत है, डेजर्ट है ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। और ये भी बन भी रहा है, आप सेकंड देख सकते हैं सेकंड पार्ट रोड का, तो ये अभी उन्होंने डबल कर दिया है, अभी काम शुरू है, बहुत ज़्यादा बन गया है, थोड़ा बहुत कुछ रहता है। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइव इस पर जो है ना बंदा करे, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही कंफर्ट और सब कुछ ना। तो क्या पॉप्स कब कहूँगा, पॉप्स मैं कहूँगा ना, तो ये हम मैंने चीज़ें ली हैं कुछ तो स्टोर से, तो अभी अजलाल कह रहा है कि आप कब कहेंगे, तो इंशाल्लाह हम बेटा कहेंगे, ठीक है जी भैया। तो मैं आपको बारिश दिखाता हूँ कि इतना पानी आ गया, आप मेरे पीछे देख सकते हो, सारा पानी ही पानी है ये देखें। और अल्लाह ये बस बरान रहमत जो है ना, ये बदलवा दी तो वो करे, ख़त्म करे, और क्योंकि अभी जो है ना ये जहमत ना बन जाए। अरे दोनों जल्दी, इतने ज़्यादा यहाँ पे पानी आ गया है तो करक में तो बिल्कुल पानी का पता ही नहीं चलता। लेकिन आज तो अल्लाह खैर करे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, कल से जारी है, तो बस दुआ कर सकते हैं हम कि या अल्लाह अब जो है ना हम पे रहम फरमाए, फजल करें, क्योंकि ना तो हम सैलाबों का वो कर सकते हैं, तो कुदरती आफात हैं और ये पानी फिर कहाँ जाएगा ना, तो ये बहुत से गरीब इनके अच्छे घर होते हैं सब, तो अल्लाह जो है ना फजल करे। और आज का व्लॉग जो है ना यहीं पे एंड करते हैं, तो जस्ट ये मैंने कहा कि आज का व्लॉग बना लें, बहुत अच्छा मौसम है, आपके साथ शेयर करें ये मेमोरीज। हाँ गेम देता हूँ यार, ये तो ये अजलाल जो है ना हर टाइम गेम मांगता है, गेम दो, ये देखो गेम और गेम, सारे रास्ता रास्ते में इसने गेम खेला है लेकिन फिर भी इसके दिल को सुकून नहीं मिला। तो जी इसको हम गेम देते हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
जी फ्रेंड्स, तो अभी मैंने रेस्ट कर लिया है और बाहर आ गया हूँ। अपना मेरा दोस्त है, मामू का बेटा है आबिद अली शाह, उसने कॉल की थी कि आ जाओ गपशप लगाते हैं किधर गायब हो, तो मैंने कहा ठीक है जी आता हूँ। और यार बस दुख की बात यह है कि मैंने अपनी कार को वॉश नहीं किया और बड़ी ख़राब हालत में, देख सकते हैं बड़ी मैसी सी है, लेकिन डोंट वरी, इंशाल्लाह कल मैं इसको वॉश करूँगा और कंप्लीट वॉश की वीडियो भी बनाऊँगा कि इस तरह मैं अपनी जो है ना कार का ख्याल रखता हूँ, कोशिश करेंगे। और इसके लिए किट शिट भी लगाएंगे, किट देखेंगे इसके लिए अच्छा सा। और अभी हम आ गए हैं खैर खैरियत से, आपकी दुआओं से अपने गांव पहुंच गया हूं मैं ठीक ठाक से। और ये हैं जी हमारे मौली। अस्सलाम वालेकुम जार मौलाना साहब, मन्ना बिल्कुल से पोजीशन दा ठीक ठाक खैरी ना जी। और ये जी हुरियास और अजलाल के मौली साहब थे जो उनको पारा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे बंदे हैं। इनके जो वालिद मोहतरम हैं वो बहुत पहले से जो है ना हमारे मस्जिद के इमाम हैं। और अब इनका भाई है हमजाली नाम है, हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ साहब हैं, तो अभी वो जो है ना मस्जिद की तमाम जो खिदमात हैं वो अंजाम दे रहे हैं। इधर है जी आबिद अली शाह, अच्छा वो है जी बेटा। तो जी मेरे दोस्त बिल्कुल सामने बैठा है और अच्छा थोड़ी गपशप लगाता हूँ और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह बाद में एक नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर होऊंगा, तो मेरे चैनल को जी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं।